सबसे पहले तो जय माता दी, जय माता दी। काफी खूबसूरत लग रहे हैं आप इंडियन ट्रेडिशन में, और क्या कुछ कहना चाहेंगे आज नवमी? हाँ जी, हैप्पी नवमी आपको, मुबारक हो। और मुझे अभी ना रास्ते में ही मेरी दोस्त बता रही थी आज के दिन का क्या इम्पोर्टेंस है कल के दिन का, एंड बस सबको विश करना चाहूँगी, कितनी मुझे एवरी ईयर मुझे इतना कमाल लगता है कि हमारे जो फेस्टिवल्स हैं एक के बाद एक के बाद एक कैसे मना ट्रैफिक हो जाता है, हर एक जन कलरफुल कपड़ों में, बहुत अच्छा लगता है। बात कपड़ों की तो आपको कितना पसंद है एकदम रेडी होना और फिर रेडी होकर गरबा और वो जो डांडिया जो होता है? हाँ, तो ये बेसिकली आज का मेरा दिन यही सेट है। अभी मैंने सारी वारी पहन ली है, मैं यहाँ पे पूजा पे अटेंड करके फिर इसके बाद घर जाके थोड़ा रेस्ट लेके, मेरा फेवरेट नवरात्रि फेस्टिवल जो है, इस साल मुझे थोड़ा सा पैर में चोट आई थी तो मैंने बहुत आराम से किया है, बट रात को 3-4 घंटे तो डांस करना है मैंने फुल ट्रेडिशनल, मुझे बड़ा मज़ा आता है तैयार होके। बचपन से ही मेरी मम्मी ने मुझे हर साल तैयार किया है तो शौक चढ़ा हुआ है मुझे। मैम, गाना आपका पिछले टाइम आया तो काफी अच्छा रहा और काफी हिट भी है, और अब कुछ एक नया भी आ रहा है, आपकी एक वेब सीरीज भी आ रही है। यस, एक्साइटेड है आपके? बहुत ज़्यादा। चमक जो है सोनी लिव में, वो मुझे लगता है जल्द ही आने वाला है, और ज़्यादा मैंने इसके बारे में बताया नहीं क्योंकि मुझे चाहिए था सीधा ही एक, बट हाँ मेरा एक्टिंग एक्टिंग डेब्यू और ओटीटी डेब्यू दोनों। मनमानी सॉन्ग जो आज उसके लिए क्या क्या गए? लोगों ने बहुत पसंद किया, मुझे बहुत अलग तरीके से देखा उस गाने में, तो मुझे बहुत एक, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था, यूजली आप मुझे डांस नंबर्स में देखते हैं या फुल हैवी लुक में, तो पहली बार बहुत सिंपलिसिटी वाला गाना जो मैंने खुद लिखा और कंपोज किया था, तो बहुत प्यार किया है उसके लिए। थैंक यू जी। आपसे मैं यही जानना चाहूंगा कि काफी सारे थोड़े से अपसेट थे लोग, क्योंकि आप जब भी मिलते हैं तो लाइक बिग बॉस का नाम जरूर आता है। हां जी, इस बार बिग बॉस में सिंगल वर्सेस जोड़ी जो गई है, अंकिता लोखंडे, हां जी, विक्की जैन, हां जी, ऐश्वर्या और नील, जो वो जोड़ी है। अच्छा, फिर मुनावर भी है। हां जी, हां जी। मुझे तो, मैं फॉलो तो नहीं किया है मैंने अभी तक, मेरी जो ये हर साल हर बार मैं यही बोलती हूँ, मेरी मम्मी फॉलो करती है, बट मुनावर, अंकिता और विक्की को मैं पहले से बहुत अच्छे से जानती हूँ। हाँ, मम्मी बताएगी बिग बॉस के बारे में, बट उनको विश करना चाहूँगी क्योंकि मुनावर, आई रियली लाइक मुनावर, एंड विक्की एंड अंकिता भी बहुत प्यारे इंसान है। बिग बॉस, बिग बॉस मैं ही देखती हूँ, इसको बिग बॉस का कुछ नहीं पता था, भेजने वाली भी मैं ही थी इसको, बट आई, दिस इज़ माई फेवरेट शो, मैं वेट करती हूँ, मतलब साल में, अब तो ओटीटी भी शुरू हो गया है, मैं, आप मानोगे नहीं, कई बार मैं साउथ इंडियन भी देख लेती हूँ, मतलब मुझे रियलिटी अच्छा लगता है देखना, आई डोंट लाइक द शोज दूसरे, मुझे कुछ भी रियलिटी अच्छा लगता है। वेरी इंटरेस्टिंग शुरुआत ही बड़ी इंटरेस्टिंग हुई, सारे लोग बहुत अच्छे हैं, अंकिता और विक्की की जो जोड़ी है, अंकिता वैसे भी मुझे बहुत पसंद है एज एन एक्ट्रेस, या और विक्की का मुझे पता नहीं था, बट ही इज़ अ वेरी गुड गाय, वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड फनी एंड गुड लुकिंग एंड एवरीथिंग, मतलब मज़ा आ रहा है उनको देख के। फिर वो नीलो जो उनकी है, जो खतरों, ऐश्वर्या खतरों के खिलाड़ी में, मैं उसको देख रही थी, नाउ शी इज़ हियर, शी इज़ अ डिफरेंट पर्सन हियर, शी वॉज अ डिफरेंट पर्सन देयर, बट हियर ऑल्सो आई एम लाइकिंग हर टू मच। और मुनावर तो है ही है, फिर वो अपनी जो है इनकी कज़िन प्रियंका मनारा, ओ शी इज़ वेरी क्यूट एंड डिफरेंट, पहले मुझे लगा कि शायद थोड़ा आर्टिफिशियल है या क्या है, बट वो ऐसी है, शी इज़ वेरी क्यूट, थोड़ी सिंपल सी पंजाबी लड़कियाँ होती है ना जैसी, वैसी है वो, जो उस दिन जो रो रही मनारा। आई डोंट माइंड, बट मेरे घर वाले मेरे बगैर रह ही नहीं पाएंगे वो, मैं 2 घंटे भी घर से बाहर होती हूँ तो मुझे 200 फोन आते हैं, और अगर मैं इतनी देर के लिए चली गई तो इनका क्या होगा, तो मैं इसलिए सोचती हूँ कि मैं रह नहीं देती हूँ।